राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अभी पिछले कुछ दिनों से सजायाफ्ता चल रहे हैं। उनकी सेहत बेहद नाजुक है। वो रांची के रिम्स में एडमिट है। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से उनका अब धीरे धीरे किडनी भी काम करना बंद कर दिया है। तो राजद खेमे में या परिवार के लोगों में काफ़ी ये चिंता का विषय है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अपने समय के एक, कहने का मतलब यह है कि अपने तरह अपने समय के एक बहुत बलवान पॉलिटिशियन है, जो राजद के सुप्रीमो है। और वो उनसे कितने लोग जो हैं राजनीति के मैदान में अर्श से फर्श पर हैं। तो उनकी जो सेहत नाजुक हुई है और उनका जो किडनी मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से धीरे धीरे काम करना काफ़ी बंद कर दिया है। तो यहाँ बिहार राज्य के सहरसा जिले मुख्यालय में हमारे साथ इस मुतल्लिक बातचीत करने के लिए परवीन आनंद है और उनकी पत्नी प्रियंका आनंद है, जो वो बेहद चिंतित हैं, जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की यादव बेहद खराब है और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से उनकी किडनी खराब है। तो इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित किया है और ये नजरिया न्यूज वेब से खास बातचीत करेंगे हमारे साथ कि इस मुतल्लिक ये क्या बताएंगे। सर, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित किया है, लालू प्रसाद बीमार है, उनकी किडनी डॉक्टर के हिसाब से जो जैसा डॉक्टर बता रहे हैं कि धीरे धीरे काम करना बंद कर रही है, तो इस मुतल्लिक आप क्या इस पे खास बातचीत करना चाहते हैं? देखिए, खास करके यहाँ मानवता की बात है कि शोषित, पीड़ित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, यानी समाज के अंतिम पायदान पर बसे हुए लोगों को उन्होंने बाहर निकालने का काम किया। उनके मुंह में बोली दिया, आवाज दिया, और उसके आवाज को उन्होंने भी संघर्ष किया सड़क से लेकर सदन तक, और उन तमाम गरीब गुरुओं को सदन भी भेजने का उन्होंने काम किया। ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा परिवर्तन उन्होंने लाया अपने लाइफ जीवन में। और जब जानकारी मिली आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि वो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, तो मन में ये हुआ कि इस तरह के नेताओं को जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और हम दोनों पति पत्नी तय किए कि उनको किडनी की जरूरत है, हम दोनों आदमी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के हम दान देने के लिए तैयार हैं, ताकि वो जिंदा रहे, विपक्ष जिंदा रहे, और उनको जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है। तो इन्होंने घोषणा कर रहे हैं कि हम लालू प्रसाद यादव की जो किडनी की दयनीय स्थिति है, ऐसी जरूरत पड़ी तो हम किडनी दान करेंगे, ये आज घोषणा कर रहे हैं। परवीन जी, आपसे हम और भी सवाल पूछेंगे, तो इसको बहुत सारे लोग राजनीतिक चश्मे से भी देखेंगे। आगामी 2020 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लोग ये समझ रहे हैं कि आप टिकट के लिए इस हिसाब से अपना बयान कर रहे हैं या घोषणा कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जैसा हैं तो हमको दिखेगा भी उसी तरीके से लोग। यहाँ मानवता की बात है, वहाँ जीवन और मौत से वो जूझ रहे हैं, तो यहाँ ये है कि उनको बचाया जाए। उनको जरूरत है किडनी का, तो हम किडनी देने के लिए तैयार हैं। जरूरत हो, जरूरत होगी जान देने का, तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा थे, मसीहा हैं, और हम चाहते हैं कि वो सब दिन मसीहा के रूप में रहें। तो उनको जिंदा रहना जरूरी है। हम चश्मा राजनीति का नहीं लगाएंगे, हम मानवता का चश्मा लगाएंगे, तो हमको सब कुछ मानवता के तरह दिखेगा। और चश्मा हम अगर गलत लगा लेंगे, अभी आप देख लीजिए कि लालू जी जगाए, लालू जी गरीबों के मुंह में आवाज दिए, बोली दिए, सड़क से उठा के सदन तक में भेजने का काम किए, और आज के परिदृश्य में देख लीजिए, सब जात का अलग अलग नेता है, सब अपना अपना दुकान खोल लिया है, उससे जात का भी भलाई नहीं हो पा रहा है। इस तरह के लोगों का चश्मा ही गलत है, उसको दिखेगा क्या? मानवता को देख रहे हैं, उनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। प्रवीण आनंद, ये थे परवीन आनंद, ये मानवते के चश्मे से देख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर किडनी की आवश्यकता होगी तो हम किडनी पति पत्नी जो है दान करेंगे। हमारे साथ परवीन आनंद के बाद उनकी पत्नी प्रियंका आनंद है, हम उनसे जानते हैं। आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है लालू जी जो बेहद बीमार है उनको किडनी दान करने के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? लालू जी एक गरीबों का नेता है, जो उन्होंने गरीबों के मुँह में आवाज दिए हैं और गरीब आदमी को घर से लेकर सड़क तक लाए हैं। वो हमें जानकारी मिली कि उनका किडनी खराब है, इन्फेक्शन हो गया है। अगर हम दोनों आदमी किडनी देने के लिए उनको तैयार हैं। क्या नाम हो? प्रियंका। तो परवीन आनंद थे और प्रियंका आनंद, ये दोनों लालू प्रसाद यादव राजद के जो सुप्रीमो हो उनको किडनी देने के लिए तैयार हैं।
अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इन दोनों का कहना है कि हम मानवता के चश्मे से देख रहे हैं और उनको जो जरूरत है, अगर किडनी की पड़ेगी तो हम किडनी देंगे, जान की जरूरत पड़ेगी तो हम जान देंगे, उनका विपक्ष में रहना जिंदा है। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा इनका जो घोषणा है वो क्या काम आता है और क्या वाकई में लालू प्रसाद यादव को किडनी की आवश्यकता होती है या कोसी वासियों को या बिहार राज्य के लोगों का उनका दुआ उनके साथ है, उनकी तबीयत बेहद जल्दी ठीक होती है और पक्ष विपक्ष में या राजनीतिक के मैदान में इस घोषणा को लोग किस नज़रिया से देखते हैं। नज़रिया न्यूज़ से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सहरसा।